आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान के सागवाड़ा में कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि राज्य में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा, आपका कमल के अलावा किसी और को दिया गया वोट भी कांग्रेस की झोली में जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं वे उनकी योजना से खड़े हैं। पिछली बार भी पाप कर वो आपकी आंखों में धूल झोंक गए, इस बार नया नाम लेकर कर रहे हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करो। मोदी ने कहा, कांग्रेस के लोग होर्डिंग में दलित नेता खड़गे की फोटो नहीं लगाते। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचार का गुरुवार को अंतिम दिन है। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी। कांग्रेस अपनी वादों की लाल डायरी चाहे कहीं भी लेकर घूमती रहे, मोदी की गारंटी सब पर भारी है। जहां कांग्रेस से उम्मीदें खत्म होती है वहां मोदी की गारंटी शुरू होती है। कांग्रेस ने जो भी कभी सोचा ही नहीं वो बीते 10 साल में आपके सेवक ने देशवासियों के चरणों में समर्पित कर दिया है। सरदार पटेल का कांग्रेस ने खूब अपमान किया है। हमने केवड़िया में उनके लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई। वे भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन जो देश के लिए काम करते हैं हम उनके लिए जीते हैं। आज तक कांग्रेस का कोई नेता उसे देखने नहीं गया। बाबा साहेब अंबेडकर का भी उन्होंने अपमान किया। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, वहां उनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, उसमें सीएम की फोटो थी लेकिन प्रदेशाध्यक्ष की नहीं थी। उनके एक सांसद की तस्वीर थी लेकिन उनके अध्यक्ष और इतने बड़े दलित नेता खड़गे जी की फोटो नहीं लगाई। कांग्रेस में दलित नेता के साथ क्या होता है यह मैंने कल देखा। वे कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं के कुनबे में से एक हैं। यदि उनकी फोटो लगा देते तो नौकरी नहीं चली जाती, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की भक्ति में लगी है। कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है। लूट की नीति की वजह से खजाना खाली कर दिया है। महीनों उनके पैसे सरकार के पास पड़े रहते हैं। कर्मचारियों का ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा भी नहीं मिल रहा है। इसी के साथ बने रहे।